अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ईमान और दीन स्पीचेस से आप सबको खुशामदीद। आई होप यू ऑल आर गुड, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम गुड एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एक्चुअली आई वाजंट फीलिंग रियली गुड, आई वाजंट फाइन, बट नाउ आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस वीडियो इज अ बिट लेट, ऑल्सो आई वाज बिजी इन सम अफेयर्स एज वेल, बट नाउ आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह ताला। एंड आई एम हियर विद अनदर रियली 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 इंटरेस्टिंग वीडियो विद अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इसमें ना बेसिकली एक बंदे ने जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक से सबसे पूछा है कि अगर आप कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया, एक ही अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, तो अगर हमें एक ही अल्लाह ने पैदा किया और उनका मज़हब भी एक है, तो हम सबको एक ही मज़हब में क्यों नहीं पैदा किया? सो या आई गेस दैट्स अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड, लुक फॉरवर्ड इट क्या जवाब दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इसका। एंड आई होप यू आर रियली इंटरेस्टेड एज वेल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब टू दीन स्पीचेस इफ यू हैवंट येट एंड लेट्स हॉप ऑन अ वीडियो। अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं वो क्यों हिंदू बना? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं तुम्हें मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह भगवान ईश्वर अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालदेन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है कि वो बुतपरस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है। अंग्रेजी में कहते कन्वर्ट, कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग। सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालदेन उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस। सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट। अक्सर हम कहते नव मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है। सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट। और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालदेन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है। लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट ये वो टेस्ट वो होता है क्या, टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है। जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद। उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, यह कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद
और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए। हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा, जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53 अल्लाह ताला फरमाते सनुरीम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबैनना अन्नुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़े हो जाए क्या हक है। ओके, सो इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो विद अ ग्रेट नॉलेज। एंड या आई गेस कि आपने भी कभी सोचा होगा कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक ही मजहब से क्यों नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला चाहते तो करते हैं, लेकिन जो दुनिया है वो एक इम्तिहान है। जस्ट लाइक डॉक्टर लाके नाइक सेड कि एक जो टीचर है वो हर किसी को पूरे नंबर दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक एग्ज़ाम्स, जस्ट लाइक अवर स्कूल यूनिवर्सिटीज़, ये जो दुनिया है ये भी एक एग्ज़ाम है हमारे लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर किसी को उस कैटेगरी में रखा और हर किसी का अलग अलग टेस्ट है। तो हर किसी का ये टेस्ट है कि अल्लाह ताला ने अगर उनको वहाँ पैदा किया तो अगर वो लोग इस्लाम की तरफ आए वापस, मतलब पैदा तो अल्लाह ताला ने सबको इस्लाम में ही किया, लेकिन अगर वो लोग इस्लाम की तरफ वापस आए तो फिर ये उनके लिए टेस्ट है, उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो या बिल्कुल, हमारी जो दुनिया है वो एक इम्तिहान है, तभी हम सबके लिए एक इम्तिहान है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए हम सबको एक ही रिलीजन में नहीं पैदा किया, जबकि किया था, लेकिन हम लोगों के जो फैमिलीज़ हैं, जो बैकग्राउंड होते हैं, उससे रिलेटेड जो है हमें, फिर हमारे जो है वो, हमारा मजहब जो है वो चेंज हो जाता है। एंड दैट्स अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इट एंड टू रिवर्ट टू इस्लाम। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है उनकी कि वो कहते हैं कि कन्वर्ट नहीं, रिवर्ट टू इस्लाम, क्योंकि हर कोई जो है वो दीन इस्लाम में पैदा हुआ। ये तो एक हदीस भी है। एंड आई रियली एंजॉय द वीडियो एंड आई होप यू डिड एज वेल एंड यू गेट गॉट द नॉलेज जस्ट लाइक आई डिड। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।